हिमाचल में चुनाव प्रचार रुक गया है, चार सीटों पर मतदान कल होना है। कई दिग्गजों की जो है इस मामले में साख भी दांव पर लगी हुई है। जिन चार सीटों पर मतदान होना है, शिमला, कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर इनमें शामिल है। इन सीटों पर कुल 38 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हिमाचल में जिन दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है, उनमें दो बार मुख्यमंत्री रह चुके शांता कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे और हमीरपुर के मौजूदा सांसद अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी और मंडी से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह, कांगड़ा के मौजूदा सांसद और आप उम्मीदवार राजन सुशांत प्रमुख हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार थमने से पहले यहां की सियासत गरमाती नजर आई। प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने बीजेपी खास तौर पर नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। शिमला में एक पत्रकार वार्ता में आनंद शर्मा ने मोदी को राजनीतिक मूल्यों को गिराने वाला नेता तक करार दे दिया। आनंद शर्मा ने बीजेपी के प्रचार को जनता को गुमराह करने वाला बताया। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने जहां इन चुनावों में अपनी सरकार के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का प्रचार किया, वहीं बीजेपी ने प्रचार के दौरान अपनी राजनीतिक मर्यादाओं को लांघा है। बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने भी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के गृह नगर रामपुर के फोर्ट मांगला मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। नड्डा ने बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील तो मतदाताओं से की ही, साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी कई तरह के आरोप लगाए। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने हमीरपुर सीट पर प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हाई प्रोफाइल माने जाने वाली सीट पर पार्टी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने ऊना में रोड शो निकाला। ये रोड शो शहर के सभी मुख्य रास्तों और बाजारों से होकर निकला। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज की है कि भाजपा सांसद और प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने अपने नामांकन के समय दी जाने वाली जानकारी में कुछ तथ्यों को छुपाया है। पार्टी ने म्यूटेशन पीपल एक्ट 1955 के तहत अनुराग ठाकुर का नामांकन रद्द करने की मांग की है। हमीरपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंडी समिति के चेयरमैन प्रेम कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कॉर्पोरेट ऑफ कंपनीज ऑफिस के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार अनुराग ठाकुर का कई और कंपनियों में भी हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन कंपनियों का जिक्र अनुराग ठाकुर ने नहीं किया, उसमें विक्रम राठौर और अनुराग ठाकुर दोनों ही शामिल हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ख्वाजा खलील उल्लाह ने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया। खलील उल्लाह ने दावा किया कि इन चुनावों में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अब तक के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों के बल पर कांग्रेस के प्रत्याशी राज्य के चारों संसदीय सीटों पर फतह हासिल करेंगे। सोलन जिले में 16वीं लोकसभा के लिए 7 मई को होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में 522 मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए 2816 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।